रिस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बेटा, एपी की कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग पेन पेन लेकर, पेन पेंसिल पेपर लेकर रेडी रहिए ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आप इसके बारे में सोचिए पहले, सब लोग खुद जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है? डोंट वेट फॉर मी ओनली, जस्ट ट्राई इट। अपने आप से करेंगे बेटा। ऑल दीज आर कॉमन क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू। किसने मैसेज किया करने का? विशाल कह रहा है मैंने कर लिया। अच्छा देखो बेटा, फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अगर नहीं लिखा है तो? आप लोगों ने ये लिखेंगे सबसे पहले एस एम, फिर ये लिखेंगे, ठीक है? और सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स, मतलब देखो ना, एम अगर फाइव है, विजुलाइज कर लिया करो, एम अगर फाइव है तो फाइव टर्म्स का सम, एन अगर सिक्स है तो सिक्स टर्म्स का सम, एम प्लस एन बनेगा इलेवन, तो इलेवन टर्म्स का सम, तो ये एम प्लस एन, बस ये तो सीधा फॉर्मूला ही आ जाएगा। अब हमें इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है जीरो के इक्वल प्रूव करने के लिए? ये वाली चीज तो जीरो होगी नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और बीच में इनको हमने ऐड किया है, ये जीरो हो सकती है, ठीक है? इसको जीरो करने के लिए वी हैव टू राइट ए इन टर्म्स ऑफ डी
या तो हम ए को डी की टर्म्स में निकालें। देखो ना, ये जीरो कब आएगा, ये वाली टर्म जीरो कब आएगी, व्हेन ट्वाइस ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं जब ये दोनों आपस में एक दूसरे का नेगेटिव बन जाए। तो अब हमने क्या किया, हमें दिया हुआ है कि ये चीज इसके इक्वल है ना, तो अब जब हम इसको और इसको इक्वल करते हैं, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा एम ए, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा एम बाई टू, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी, और ये नीचे 2 भी आएगा, ये वाला 2 यहाँ मिस हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एन ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास सेम तरीके से ये एन बाई टू बचेगा, ठीक है ये बचा। अब हम इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, क्योंकि हम ए वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा एम माइनस एन, और इसको फिर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन है, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस डी बाई टू बाहर लिख दो, ठीक है डी बाई टू बाहर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो एन स्क्वेयर माइनस एन, और इसको करो माइनस एम स्क्वेयर प्लस एन, यहाँ पर है एम माइनस एन इंटू ए, और ये जो 2 का फैक्टर था इसको यहाँ लिख दो, कोई नुकसान नहीं है इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे एम माइनस एन आया, अब क्वेश्चन की फॉर्म ऐसी है कि एम और एन तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते, नहीं तो क्वेश्चन का मीनिंग ही कुछ नहीं रहेगा, ठीक है इनको दे भी देना चाहिए, पर चलो इसको एम माइनस एन रखेंगे। तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि एम माइनस एन एम एम के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एम माइनस एन को मैं दोनों तरफ से कट करूंगा, देख रहे हैं आपको दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो अब ये बन जाएगा एन स्क्वेयर माइनस एन, इसमें एन स्क्वेयर और एम स्क्वेयर को साथ लो और इन दोनों को भी साथ ले लो, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगी। अब ये ट्वाइस है, अब इनमें से कॉमन आ जाएगा एन माइनस एम, ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया ये वाला पार्ट, देखना जो हमें प्रूव करना था वही प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये एन माइनस एम है, अगर मैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखता हूँ तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस वन कॉमन चला गया, और ये एम माइनस एन इस एम माइनस एन से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2a कितना आ गया, माइनस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 2a की वैल्यू आ गई, और ये 2a की वैल्यू जब हम इसमें रख देंगे, इसमें माइनस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेट्स कॉल दिस एज वन इक्वेशन, दिस एज टू एंड दिस एज थ्री, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 यू पुट द वैल्यू इन 4 इन 3, ठीक है। तो जब हम इसको 3 में रख देंगे, ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, द होल ऑफ दिस टर्म बिकम जीरो। अगर आपने इसको साथ साथ फॉलो किया है तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आप वीडियो में देख के करना, ठीक है। इतना टाइम बहुत है इस क्वेश्चन को, अब पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो एक बार, लेट से ये कौन करता है सबसे पहले, इजी है कुछ मुश्किल नहीं है, करिए शाबाश। पहले सोचो दिया क्या हुआ है और करना क्या, ध्यान से व्हाट इज गिवन एंड व्हाट मस्ट बी डन। कैसे ले लो आप इसको, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ वन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द अदर एपी को एस एन डैश ले लो, इसमें आएगा एन बाई टू टू ए, ऐसे भी ले सकते हैं ना, ये ऐसे इजी रह जाएगा आप लोगों के लिए, चलो ठीक है यही सही है, एस एन डैश और एस एन करो।
ये आएगा आपके पास n बाई टू, टू ए प्लस, हाँ बहुत हम 11 कर लिया, n माइनस वन इंटू डी। और दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन उसमें डी डैश और ए डैश बन जाएगा। n बाई टू तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है गौतम, अभी आप बताना क्या किया, टू ए डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश। वेरी गुड, कई सारे बच्चे बोल रहे कर दिया। तो आपको ये सम कितना दिया हुआ है, 7n+1 अपॉन 4n+27, ये दिया। अब रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म आपको निकालनी है, ये वी हैव टू फाइंड दिस, ये पर्पज है हमारा, ये निकाल। लेकिन हमें पता है कि ये कितना होगा, ये होगा ए प्लस 80 अपॉन ए प्लस ए डैश प्लस ए डी डैश, ये रेशियो आपको निकालनी है। ठीक है, ए डैश प्लस ए डी डैश। तो अब आप इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, एन माइनस, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कितना बन जाए, इसको और इसको एक जितना बना देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिस इज गिवन टू अस, दिस गिवन टू अस, सो इफ वी कैन टर्न एन माइनस वन इंटू 16, अगर एन माइनस वन को हम 16 कर दें तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू ए प्लस 16 इंटू डी, और ये भी बन जाएगा टू ए डैश प्लस 16 इंटू डी। समझे बेटा, इफ वी चूज, क्योंकि ये तो गिवन है, इसमें एन क्या हो सकता है, इसमें एन कैन बी एनी इंटीजर। तो अगर मैं एन माइनस वन को 16 सेट कर दू, इफ आई सेट और पुट एन माइनस वन इक्वल टू 16 इन दिस, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा टू ए प्लस 16 डी और नीचे आ जाएगा टू ए डैश प्लस 16 डी डैश। तो 7 16 का कितना होता है, 112, 4 16 का कितना होता है, 64, और ये आपके पास आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, सॉरी टू कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 80 और नीचे भी आ जाएगा ए डैश प्लस ए डी डैश, तो ये 113 अपॉन 11 91, ये ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन इजी वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। चलो, काफी सारे बच्चों ने कहा है कि कर लिया उन्होंने, क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। एस एन और एस एन डैश आपको दिया हुआ है, ए एन और ए एन डैश निकालना है। दिस इज करेक्ट फॉर, दिस रिजल्ट इज करेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। तो इंटीग्रल मतलब एन क्या हो, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम एन को 17 ले रहे हैं इसमें, जब हम इसको 16 कर रहे हैं हम एन को 17 कर दें, 17 × 7 कितना होता है, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ये 66 मान लिया इसको, 49, 4, 119 लेना था, कोई नहीं कर देना आप 120। ठीक है, और इसको हमने क्या लेना था, एन को 17, ये 68 आना था, यहाँ 68 करता है, चलो कर देना 15, 195, 120 अपॉन 95 को आप और सिंपल टर्म्स में कर सकते हो, ठीक, और ये आपके पास आ जाएगा 24 अपॉन 19, इस तरीके से आ जाएगा 24/19। आई होप नाउ इट इज ओके। एन माइनस वन को 16 करना है ना हमें, तो एन को 17 करना है, पहले मैंने बता नहीं, एन को 16 ही ले लिया, एन तो 17 आ जाएगा ना बेटा, एन माइनस वन 16 लिया तो 17 × 7 कर देंगे और एन को 17 कर देंगे। ठीक है, आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। सो इट इज ऑल अबाउट गिविंग यू टाइम। ठीक है, थोड़ा सा सब बच्चे एक ही साथ नहीं करते, तो धीरे धीरे करो आराम से। चलो अब मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद करके दिखाना, ये इजी लग रहा है मुझे।
देखो सबसे पहले तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें आप एलजेब्रा का मेथड यूज कर लो। सपोज लेट आफ्टर एन मिनट्स, लेट आफ्टर एन मिनट्स द पुलिसमैन कैच द थीफ। आई हैव गॉट वेरी लेस स्पेस, आई वुड लाइक यू टू फाइंड द आंसर एंड कंफर्म इफ द आंसर विच आई गेट इज करेक्ट। आई कांट मेक कैलकुलेशंस हियर, वेरी लेस स्कोप टू मेक कैलकुलेशंस, सो प्लीज डू इट, प्लीज सॉल्व इट। सबसे इजी है इसलिए है क्वेश्चन को करना क्योंकि आप बॉक्सेस बना लो 1 से 49 तक। अब ये कह रहे हैं कि एक हाउस नंबर ऐसा है बीच में एक्स, कोई भी 1 से 49 के बीच में, वो 23 भी हो सकता है, वो 27 भी हो सकता है। जैसे मान लो 27 ही है, तो 27 से पहले कौन से हाउस नंबर तक आता है? 27 से पहले तक 26 तक आता है, तो 1 से 26 तक का सम। और 27 से बाद वाले नंबर्स कौन से हैं? 28 है, 28 से 49 तक का सम। ये कह रहे हैं ये सेम है, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल 27 तो मैंने वैसे ले लिया था, मुझे नहीं पता कि वो 37 है या 27 है। तो बस अब करना क्या है, क्योंकि 1 से 49 तक सारे नंबर्स तो एपी में है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है ना, आगे समझ में। 35, 35 इज वन ऑफ द आंसर्स। लेट्स चेक एनीवन एल्स। सारांश आपको समझ में आ गया ना कैसे किया? सपोज ये एक्स है कोई भी हाउस नंबर, एक्स तो 1 और 49 के बीच में कोई नंबर होगा ना। जब हाउसेस के नंबर कहाँ तक है, पहले हाउस का 1 नंबर है, दूसरे का सेकंड नंबर है, थर्ड का 3 है, ऐसे चलते चलते लास्ट वाले का 49 नंबर आएगा, उसके पहले वाले का 48 आएगा, और बीच में कहीं पे एक हाउस नंबर आएगा कैपिटल एक्स, उसके पहले वाले हाउस का नंबर आएगा x-1, उसके बाद वाले का आएगा x+1। क्लियर है बेटा? अब इसका मतलब ये निकलता है जो क्वेश्चन दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन, कि इन सब का सम, इन सब का सम और इसके बाद वालों का सम, x+1 से शुरू हो जाओ और 49 तक जाओ, तो ये दोनों इक्वल दिए हुए। तो पहले आप इनका सम निकालो, कितना आएगा? इनका सम आएगा, इट इज एन एपी, दिस एन एपी विद फर्स्ट टर्म, इट इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 1। तो कितनी टर्म्स है ये? हाँ जी, कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? दीज आर x-1 नंबर्स, तो n बाई 2, 2a, a तो 1 ही है, ये कितनी टर्म्स है? x-1। तो यहाँ पे क्या आता है? 2a प्लस n-1, तो n-1 इंटू डी तो 1 ही है। ये पहले समझो, ये सही है, सबको समझ में आएगा। ये एपी है विद फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है सम का? सम का फॉर्मूला n बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी कितनी टर्म्स आएंगी? x-1 टर्म्स आएंगी, तो n की वैल्यू x-1, 2a, x-1 में से ये -1 होगा, तो ये बन जाएगा इतना। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे वाले का सम देखो, इसके सम के लिए कैसे लिखेंगे? कोई मुझे बता सकता है ये कितनी टर्म्स आएंगी? काउंट करके बताओ, हाउ मेनी टर्म्स आर दीज? ये कितनी टर्म्स हैं? x है, ठीक है, तो ये कितनी आएंगी? ये वाली कितनी टर्म्स आएंगी बताओ? 49-x आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, क्योंकि ये बेटा आप ऐसे करके देखो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो ऐसे करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो हम 4 को छोड़ देते हैं, तो ये 3 टर्म्स हैं, तो ये कितनी आएंगी? क्योंकि ये आ जाएंगी
फोर, तो सेवन में से फोर गया थ्री, ठीक है, ऐसे करके सोच लो। सभी ऐसे ही सोचते हैं, मैथमेटिशियंस भी, वो एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ तक एक्स टर्म्स हैं और लास्ट तक 49 है, तो 49 में से एक्स हटा दो तो ये बच जाएगा 49 माइनस एक्स बाई टू, यही आएगा एन बाई टू, और टू ए, टू ए, अब ए इसमें एक्स प्लस वन है, और एन माइनस वन इंटू टी, एन माइनस वन इंटू टी, ये आ जाए, बिल्कुल ही आसान है, एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। अब तो सिंपलीफाई करना है, इसके बाद तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपलीफाई करके क्या आंसर आ रहा है सारांश, इसके बाद तो सिंपलीफिकेशन है ना बेटा, आप लोग इतना तो कर लोगे। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना, ये बनेगा, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, ये तो आप कर लेंगे अपने आप से। चलो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। हाँ 35 है ना, तो ये 34 बन गया, ये 35, और ये 35 अगर इसमें लेंगे अपने इसको, तो ये 14 बन जाएगा, और ये 65, ये और ये सेम आएंगे, चेक कर लो, ये 17 इंटू 5 है, ये 7 इंटू 2 है, और ये कितना है, ये 5 इंटू 7 है, और ये 17 इंटू 2 है, तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट तो सेम आएंगे, तो वैसे ही चेक कर लिया आपका आंसर सही है, इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी और सॉल्व कर लेना। चलो ठीक है, गुड, आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा तो अच्छी प्रॉब्लम्स करनी चाहिए आपको। चलो हो सकता है ये टफ ना हो, करके देखो। लेट अस स्टार्ट बेटा, क्योंकि एक दो टर्म्स तो फाइंड करना बहुत ही इजी है इसमें, नहीं? देखो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्लियर है कि हमें 100 के बाद वाले नंबर लेने हैं और 999 तक जाना है, ठीक है। अब लेकिन 100 से क्या रिमाइंडर 3 आता है? नहीं आता, तो सबसे पहले रिमाइंडर 3 किससे आएगा? 100 3 से रिमाइंडर आएगा 3, फिर नेक्स्ट किससे आएगा? 100 7 से रिमाइंडर 3 आएगा, 4 ऐड कर देंगे ना इसमें, फिर 100 10 से रिमाइंडर 3 आएगा, 999 से कितना रिमाइंडर आएगा, ये तो वैसे ही चेक कर लो, है ना, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, ठीक है, तो इससे भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो दैट मींस हमको 999 तक जाना है, 995 से भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो फाइंड द मिडिल टर्म, अगर मिडिल टर्म आ जाएगी तो बाकी चीजें तो आराम से हो जाएंगी। मिडिल टर्म कैसे आती है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और ये कौन सी टर्म है हम फाइंड कर लेंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, तो हमारे पास ये 999 है, ये 103 प्लस 4 एन माइनस 4 आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 99, तो ये 900 इज इक्वल टू 4 एन आएगा, ठीक है, और एन कितना आ जाएगा 100 इंटू 9, 100 इंटू 9 अपॉन 4, तो 425, अब ये बन गया बेटा 9 5 45, 4 कैरीज 225, यही आएगा 225, ठीक है 225, तो मिडिल टर्म। अब जैसे अगर 5 टर्म्स हैं और ये ऑड नंबर है ना, तो 2 यहां पे रह गई, 2 यहां पे रह गई, तो मिडिल टर्म कैसे आती है? अगर ये ऑड नंबर है तो एक ही मिडिल टर्म होती है, नहीं? अब जैसे अगर 1 2 3 4 5
अगर मान लो सिक्स टर्म्स है, तो सिक्स टर्म्स में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, दो इधर रह जाएंगी और दो इधर रह जाएंगी, तो ये दो मिडिल टर्म्स आएंगी अगर ये इवन नंबर है। तो कौन सी आएंगी, वो 6/2 और 6/2 + 1। तो अगर एन एक इवन नंबर है तो दो मिडिल टर्म्स बनेंगी आपके पास, एक ये वाली और एक ये वाली। पर अगर एन एक ऑड नंबर है फिर तो इजी है, अगर एन एक ऑड नंबर है तो आपको n+1/2 करना है, ये सम ऑफ सॉरी ये आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगी। तो 226/2 इज 113, सो 113 टर्म इज द मिडिल टर्म, यू फाउंड इट राइट। बाकी चीजें तो इजी है, नहीं कर लोगे ना बाकी वाला पार्ट। तो इसमें सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन बोथ साइड्स, तो 113 टर्म निकाल लेंगे हम यहाँ से, 113 103 प्लस 112 × 4, तो 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 1 4 5, यही आ रहा है बेटा 541 मिडिल टर्म, 51 by 51, तो 551 बीच में आ जाएगा। 551 से पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, 551 से पहले वाली 547, और 555 के बाद वाली कौन सी आएगी इस सीक्वेंस में, 555। ठीक है, तो बोथ साइड्स, तो आपको इनका सम अलग से निकालना है जो कि बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये 112 टर्म बनेगी, और ये सारी टोटल कितनी टर्म्स है, 225। तो 225 में से 113 को हटा दो, क्योंकि यहां तक 112 हुई या 113 हुई, तो ये कितनी टर्म्स आ जाएंगी, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 225 में से 113 माइनस हुआ 211, तो ये 112 टर्म है। अब इनका अलग से सम निकल जाएगा, इनका अलग से निकल जाएगा। चलो ठीक है, आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आप कल और प्रॉब्लम्स कराएंगे, मैं तो जितनी निकाली थी उसकी हाफ ही करा पाया हूँ आपको। वी विल टेक आउट टुमारो इन रिलैक्स नाउ, ओके। सम पीपल हैव स्कूल्स, गो एंड एक्सरसाइज आउटसाइड, दिस फेल्ड टू रिकॉर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, सो लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ए इज द पॉइंट जहां से थीफ दौड़ना शुरू करता है, और थीफ थोड़ा जब आगे चला गया है तो तब पुलिसमैन ये स्टार्ट करता है 1 मिनट के बाद। तो 1 मिनट में थीफ 100 मीटर दौड़ लेंगे, तो यहां से यहां तक 100 मीटर है। सो थीफ स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ए एंड एट द पॉइंट बी, सपोज द थीफ कैचेस दी और द पुलिसमैन कैचेस दी थीफ, तो ए से बी तक पुलिसमैन ने और थीफ ने सेम डिस्टेंस कवर किया, बट पुलिसमैन स्टार्टेड 1 मिनट लेट। सो फ्रॉम ए टू बी वी कैन एज्यूम दैट देर आर एन मिनट्स, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको n+1 मिनट्स भी ले सकते हैं, वो इस प्रॉब्लम में ज्यादा इजी रहेगा, ये सॉल्व करते समय हमें पता चलता है। तो पुलिसमैन को शुरू करने के एन मिनट्स के बाद थीफ को कैच करेगा, अगर हम इसको n+1 लेते। सपोज थीफ जब ए था, ए पर था, ए से बी तक थीफ को बी तक जाने में n+1 मिनट्स लगते हैं, तो पुलिसमैन को ए से बी तक जाने में सिर्फ एन मिनट्स लगेंगे। तो फर्स्ट मिनट में पुलिसमैन डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर्स, बिकॉज स्पीड उसकी 100 मीटर, और सेकेंड मिनट में उसकी स्पीड इतनी बन जाती है, एंड nth मिनट में उसकी स्पीड इतनी बन जाएगी। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा nth मिनट में कैसे स्पीड आएगी, a+n-1 × d, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये इतनी स्पीड बन गई उसकी nth मिनट में। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n मिनट्स बाय द पुलिसमैन, ये ap के फॉर्मूले से आ जाएगा इतना। और थीफ ने n+1 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है 100, n+1 × 100, तो ये n+1 × 100 से ये बन गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो
आपके पास ये सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक आएगी, और इस क्वाड्रेटिक में से एक एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट डज नॉट मेक अ सेंस। सो 5 मिनट्स आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्ट्स, पुलिसमैन कैचेस द